जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब के बढ़ते गन कल्चर के बारे में। तो दोस्तों आखिर कैसे पंजाब के बढ़ते गन कल्चर ने पंजाब के फेमस रैपर, सिंगर और पॉलिटिशियन रहे सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली, जानेंगे इस वीडियो में। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हाल ही में 28 साल के शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम से भी जानते थे, उनके ही शहर मनसा में 29 मई 2022 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक पंजाब के मशहूर रैपर थे। दोस्तों उन्होंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लुधियाना यूनिवर्सिटी से की थी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि उनको मारने के लिए किसी कॉमन गन का इस्तेमाल न करते हुए गुंडों ने रशियन AN-91 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था, जो कि अपने आप में ही एक चर्चा का विषय है कि गुंडों के पास इतना एडवांस गन आया कहाँ से। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह कारनामा रात में नहीं हुआ था, बल्कि दिन में ही 5:30 बजे सभी लोगों के सामने गुंडों ने उनको रोड पर गोली से भून दिया था। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस घटना में 5 लोगों को डिटेन भी किया है और इस घटना की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। पुलिस का कहना है कि यह मर्डर इंटर गैंग राइवलरी की वजह से हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला एक रैपर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे। तो दोस्तों पॉलिटिशियन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में विचार आया होगा कि पॉलिटिशियन थे तो उनके पास सिक्योरिटी तो होंगे ही। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी थी, मगर 26 मई को राज्य सरकार ने सिद्धू मूसेवाला के साथ साथ 400 अन्य और लोगों के भी सिक्योरिटीज को किसी कारणवश हटा दिया था। इन सब घटनाओं के वजह से एक बात तो साफ है कि पंजाब में गन की समस्या है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे गैंग वार हो तो गोलियाँ चल जाती हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो तो गोलियाँ चल जाती हैं, और यहाँ तक कि गन के नोक पर ड्रग की सप्लाई भी यहाँ पर की जाती है। एक फैक्ट की बात हम आपको बता दें कि पंजाब गन लाइसेंस लेने के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पंजाब में गन लाइसेंस रखने वाले लोगों की संख्या 4 लाख से अधिक है। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास एक ही लाइसेंस पर दो दो तीन तीन गन्स हैं। तो दोस्तों एक और ख़ास बात बता दें कि पंजाब पुलिस से ज़्यादा हथियार पंजाब के लोगों के पास है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि होम मिनिस्ट्री का एक आदेश है कि किसी भी राज्य के पुलिस से 1.5 गुना ज़्यादा हथियार उस राज्य के प्राइवेट सिटीजन्स के पास नहीं होने चाहिए। राज्य पुलिस कर्मियों की संख्या 80,000 के आसपास है और वहीं राज्य में रहने वाले लोगों के पास आर्म्स की संख्या 11 लाख के पार है। इसका केवल 2% पॉपुलेशन ही पंजाब में रहता है, मगर अगर बात करें आर्म्स के मामले में तो पूरे देश का 10% आर्म्स केवल पंजाब में ही है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आखिर पंजाब में इतने सारे फायर आर्म्स आए कहाँ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बात है सन 1980s की, जिस समय पंजाब एक वायलेंट स्टेट बन चुका था और उस समय इंसर्जेंसी पंजाब में अपने पीक पर थी। तभी राज्य की सरकार ने ये फैसला लिया कि वो अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस जारी करना शुरू करेगी। एक टाइम के बाद जब इंसर्जेंसी खत्म हो गई, तब तक घरों में गन रखना एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। मूसेवाला जो कि एक रैपर थे, मगर उन पर भी आर्म्स एक्ट के तहत AK-47 कैरी करने के वजह से FIR दर्ज किया गया था। पंजाबी सॉन्ग्स में भी गन्स और दारू को प्रमोट करने की वजह से इनका क्रिटिसिज्म काफ़ी पहले से होता आया है। इस सॉन्ग के साथ साथ पंजाब का एक जिला फिरोजपुर भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यह इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है और यह डिस्ट्रिक्ट इलीगल वेपन्स का हब है। यहाँ पर केवल 1.5 लाख कैश देने पर मशीन गन जैसी बंदूकें मिल जाती हैं। ऐसे देश के अन्य राज्यों में जैसे UP, MP, राजस्थान जैसे राज्यों में वेपन्स की इलीगल स्मगलिंग की जाती है, और यहाँ फिरोजपुर में आपको वेपन्स के इलीगल लाइसेंस भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये उसके मामले में भी काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों यही ओरिजिन्स है जिसकी वजह से पंजाब में इतना गन कल्चर बढ़ा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।